संक्षिप्त परिचय। क्या आप जानते हैं कि नीलगाय बोसेलाफस ट्रैगोकैमेलस एक मृग है न कि गोवंशी, जिसका शाब्दिक अर्थ है नीली गाय। यह सबसे बड़ा एशियाई मृग है और उत्तरी भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे ज्यादा पाया जाता है। नीलगाय दिन के समय ज्यादा सक्रिय होते हैं, ये आम तौर पर झुंड में ही रहते हैं। इनकी विशिष्टता। नीलगाय एक मजबूत पतली टांगों वाला सुडौल मृग होता है। नीलगाय की विशेषता झुकी हुई पीठ, गले पर एक सफेद पट्टी के साथ एक गहरी रंग का गर्दन और छोटा सर होता है। सफेद गर्दन के साथ बालों की एक छोटी रेखा जो पीठ के ऊपर से सर के पीछे तक आती है और चेहरे पर सफेद धब्बे होते हैं। गर्दन पर लटकते मोटे बाल होते हैं। वयस्क नीलगाय नर में नीले भूरे रंग का आवरण होता है। केवल पुरुषों के सींग होते हैं जो 5 से 10 इंच लंबे होते हैं, जबकि मादा और किशोर नारंगी भूरा से पीला भूरा रंग की होती हैं। नीलगाय की ऊंचाई कंधे तक 1 से 1.5 मीटर 3 से 5 फीट तक होता है। नर नीलगाय का वजन 100 से 285 किलोग्राम और मादा का वजन 100 से 215 किलोग्राम तक हो सकता है। इनके आवास और व्यवहार। नीलगाय भारतीय उपमहाद्वीप का स्थानीय प्रजाति है। प्रमुख आबादी भारत, नेपाल और पाकिस्तान में है। नीलगाय सबसे अधिक संख्या में हिमालय की तलहटी में तराई के निचले इलाकों में पाए जाते हैं। नीलगाय पूरे उत्तरी भारत में प्रचुर मात्रा में हैं। 2001 में भारत में इनकी जनसंख्या का अनुमान 10 लाख था। नीलगाय मादाओं का गर्भकाल 8 से 9 महीने तक रहता है, जिसके बाद एक बछड़ा या जुड़वा, कभी कभी 3 बच्चे भी पैदा होते हैं। गर्भवती मादाएं जन्म देने से पहले खुद को अलग कर लेती है, जन्म देने के बाद बच्चे को छुपाकर रखती हैं। बछड़े जन्म के 30 से 40 मिनट के भीतर खड़े हो सकते हैं और थोड़ी देर में चलना भी सीख लेते हैं। जंगलों में यही कानून है, जो जल्दी चल न सका वो मारा जाता है। इनका झुंड 2 से 70 नीलगाय तक का हो सकता है, जिनमें मादा, बच्चे और वयस्क नर सभी होते हैं। खतरे की स्थिति या डर जाने पर ये अपने मजबूत और पतले पैरों के सहारे आधा किलोमीटर तक जाने के बाद ही रुकते हैं, इसलिए इनका पीछा किया जाना किसी भी शिकारी जानवर के लिए मुश्किल हो जाता है। नीलगाय झाड़ीदार जंगलों और घास के मैदानों, खेतों और छोटी झाड़ियों और कम घने जंगल वाले क्षेत्रों को पसंद करते हैं। नीलगाय प्रतिदिन मुख्य रूप से दिन के दौरान सक्रिय होते हैं। सुबह, दोपहर और शाम के समय भोजन किया जाता है। आहार। नीलगाय शाकाहारी होती हैं। आमतौर पर भारत के शुष्क उष्णकटिबंधीय जंगलों में पाए जाने वाली वनस्पतियों को खाती हैं। पौधे, घास और क्योंकि ये उच्च शाखाओं तक पहुंच सकते हैं तो ऊंची पत्तियों को आसानी से आहार बना लेती हैं। ये केवल सतही वनस्पति पर निर्भर नहीं होते हैं। ये कृषि भूमि में आम हैं और किसानों के लिए ये सर दर्द बन जाते हैं। ये सुबह और शाम के वक्त खेतों पे झुंडों के साथ फसलों को चट कर जाते हैं, जिससे उत्तरी भारत के किसानों को काफी आर्थिक हानि होती है।